दिस इज अभिषेक चौहान एंड लेट्स वेलकम ऑन अवर वेब पोर्टल लेट्स फोकस। गाइस सुबह का टाइम है और आज मैं आपको कानपुर के बेस्ट जो यहाँ का फेमस नाश्ता है मतलब मट्ठा और ब्रेड, आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर ले चलूँगा जो काफ़ी टाइम से यहाँ पर अपनी शॉप खोल के रखे हुए हैं और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है शायद 9-10 साल हो गए होंगे उनको, लेकिन एक सिंपल सा ठेला है पर उनकी बिक्री बहुत है। लोग दूर दूर से लोग आके यहाँ पर उनका ब्रेड और बटर खाने आते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा इनकी ये जो शॉप है ये कानपुर के गुरुदेव पैलेस में। चलिए बिना लेट किए हुए आपको उनके पास लेके चलते हैं और दिखाते हैं भाई सतीश भाई के मट्ठा और ब्रेड के बीच। एक बार आप अगर गुरुदेव पैलेस आते हैं तो सतीश भाई के ब्रेड बटर और मट्ठे का टेस्ट ज़रूर लें। तो पहले तो आप ये बताइए कितना टाइम हो गया आपको? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए, 9 साल तो इसी जगह से? हाँ इसी जगह से। तो अभी तो खैर लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, वैसे कितनी बिक्री हो जाती होगी आपकी नॉर्मल डे? 2000 पर डे? पूरा नहीं यार, सही है। तो आप अपने हिसाब से हमें क्या कहते हैं? ब्रेड मक्खन। ब्रेड मक्खन, चलिए आज सतीश भाई के ब्रेड मक्खन और मट्ठे का टेस्ट करते लेते हैं यार। हम सतीश भाई से भी कहेंगे थोड़ा अपना चेहरा दिखाएं। तो ये हमारे सतीश भाई, यहाँ के फेमस ब्रेड और बटर विक्रेता। मसाला तो मैं अभी इनसे पूछूंगा कि कौन सा मसाला यूज़ करते हैं। हम लोग भी घर पे बनाएंगे डालेंगे यार। सतीश भाई के हम लोगों ने ब्रेड बटर और मट्ठे का टेस्ट लिया, वाकई में काफ़ी अच्छा टेस्ट था और ख़ासकर ये जो मसाला है ना भाई मज़ेदार है। अच्छा मैं एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ, सतीश भाई ने कोरोना को देखते हुए ब्रेड बटर तो है ही साथ में,
मास्क भी लगा रखा है, सैनिटाइजर भी रखा है, तैयारी भाई की पूरी है अपनी। अच्छा सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, अच्छा आपके यहाँ पर जिम वगैरह भी हैं, हाँ बैंक्स भी हैं और कोचिंग भी है, कोचिंग वगैरह भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग नहीं पर आते होंगे किया वगैरह, जिम भी है शायद यहाँ पर, जिम में लोग जब वर्कआउट करके आते हैं तो तो ये एक एडिशनल चीज़ है यहाँ पर। लेकिन अब मैं आपको बता दूँ, इनका जो ये शॉप है सतीश भाई का, ये गुरुद्वारा पैलेस के त्रिलोक प्लाजा, हाँ त्रिलोक प्लाजा ग्रैंड होटल के जस्ट सामने, मैं दिखा भी दे रहा हूँ, जस्ट इसके सामने ही भाई का यहाँ पर शॉप लगती है। तो खैर भाई मुझे तो मैं ज़्यादा ब्रेड बटर नहीं खाता हूँ, लेकिन अगर कायदे से अगर नाश्ता कहा जाए कानपुर का, तो सुबह का नाश्ता भाई यही है कानपुर का। आप कभी भी कानपुर आइए और अगर आपको ब्रेड बटर खाना है तो सतीश भाई के यहाँ पर आके एक बार टेस्ट ज़रूर करिए, मैं लिख के दे रहा हूँ, मज़ा आ जाए। तो सतीश भाई से हम एक रिक्वेस्ट और करेंगे भाई, अब इस वीडियो को भाई लोगों में बहुत बांटना है, कुछ शेयर करना है दबा के, ये तभी तो लोग आएंगे और आपका ब्रेड बटर टेस्ट करेंगे। तो सतीश भाई के इस शॉप की लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो मैं यही चाहूँगा कि एक बार आप आइए और कानपुर के जायके को एक बार टेस्ट ज़रूर करिए। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको भी लगता है कि कहीं कानपुर में या आपके शहर में कुछ ऐसे जायके हैं जो आपको ज़रूरत है कि लोग वहाँ तक पहुँचें और उन जायकों का टेस्ट लें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक्स टाटा एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।